मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। तीसरे चरण के लिए आज बिहार की 5 लोकसभा सीटों के साथ ही देश के 117 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वहीं पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अन्ना हजारे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वोट डाला। पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। पीएम ने पहली बार वोटाधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं कहा उन्होंने कि देश में वोट देना गंगा स्नान करने के बराबर लगा। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में तीसरे चरण में कुल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। पटना में तेजस्वी यादव ने तीसरे चरण के मतदान पर कहा कि इस बार का चुनाव देश बचाने और संविधान बचाने का है। आपको यह भी बता दें कि लालू यादव से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि सुशील मोदी पूरी तरह से हताश हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तो चुनाव शुरुआत हुई है और सब मतदाताओं से अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग करने का काम करें, और जब वोट करें तो देश के हितों का देखें, संविधान की रक्षा करें, आरक्षण को देखते हुए वोट करें। और हम तो इतना कहेंगे कि लालू जी को न्याय दिलाने के लिए चुनाव अच्छे से मतदान करने का काम करें। सुशील मोदी जी ने क्या अपशब्द, कितनी गंदी घटिया बातें कही, जहर देने की बात यही है, कहा है कि घर से खाना भी नहीं। पटना में जीतन राम मांझी ने तीसरे चरण के मतदान में महागठबंधन के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है। वहीं चुनाव आयोग पर सवाल करते हुए कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी की जांच सही तरीके से नहीं हुई है और इतनी सेना होने के बावजूद नक्सली इलाके में शाम तक वोटिंग नहीं की जा रही है, जो कि चिंताजनक है। 5 जगह चुनाव जो है, हम तो कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय में जैसे बढ़ता है डिग्री, तो उसी प्रकार से प्रथम में कुछ रहा, दूसरा में कुछ रहा, ये और सुपर होगा। कहने का मतलब हम लोग 5 सीट इसमें जीतेंगे, ये हमको आशा है। और इसलिए कह रहे हैं कि प्रथम चरण में शुरू से हम कह रहे हैं, अब आप लोग देखे होंगे कि एज ए होल जो पोलिंग परसेंटेज था वो प्रथम चरण में हुआ 56.6 और द्वितीय चरण में हुआ 66.6, यानी 10% का फर्क हो गया। और इसी को हम एलिज कर रहे थे कि छठ का गरीब वोटर लोग छठ करते हैं चैत में, और वो वोटर कैसे जाएगा जो एक दिन उपवास रहेगा या 50 किलोमीटर अर्घ देने जाना है तो वो जाएगा वोट देने। यही कारण कि हमारे वोटर सब उसमें लगा रहा और 10% हमको कम मिला। हम लोग जीतेंगे लेकिन मार्जिन कम रहेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक चीज़ ये और दूसरा चीज़ ये, आज भी हम देख रहे थे खगड़िया में, अररिया में कैसा ही लोग मशीन चेक करके ले जाता है कि 2-2 घंटा लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, ये इलेक्शन कमीशन का साजिश है। पटना में जदयू नेता अशोक चौधरी ने अपने बयान में कहा कि तीसरे चरण में भी एनडीए बेहतर कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम के आधार पर लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव द्वारा पीएम मोदी और नीतीश कुमार को रावण और दुर्योधन कहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण तेजस्वी मर्यादा तोड़ते हैं। जो कभी स्कूल कॉलेज ठीक से जाता नहीं है, गुरु जी से पिटाई होती नहीं है, उनको संस्कार मिलता नहीं है, वैसे लोगों की भाषा इसी प्रकार की है। जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो अपने अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ऐसे कोई भी शब्द का प्रयोग राजनीति में, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, जिससे जो शब्द का प्रयोग खुद अपने लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बार बार तेजस्वी यादव का इस तरह का भाषा का प्रयोग करना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं उनको परेशानी होती है राजनीति की। हाजीपुर में सीएम के चुनावी सभा में पहुंचने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी पुलिस की लोगों से झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश की सभा में हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने के दौरान पुलिस ने डंडा चलाने से लोग भड़क गए। हालांकि सीएम के सभा में पहुंचने से पहले भीड़ को किसी तरह से शांत कराया गया। सबको मार रहा है, सबको मार रहा है, सबको मार रहा है।
भाकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सेना और शहीदों का इस्तेमाल अपने चुनावी भाषणों के लिए कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे खुलेआम लोगों की भावनाओं पर भड़का रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। बता दें कि ऐसे भाषणों पर रोक लगाने के लिए भाकपा ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। सभा में काफी संख्या में लोग उपस्थित दिखे, साथ ही दलित वर्ग के लोगों ने सिंघा बजाकर तेजस्वी यादव के स्वागत में खड़े नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार दो इंजन वाली सरकार है, एक भ्रष्टाचार में लिप्त, दूसरी घोटाले में। जनता जान ना रही है, वो इंजन इनका अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार। चुनाव है जो हम मानते हैं कि देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, और इस महत्वपूर्ण चुनाव में आपके नेता को दूर रखा गया। हमारे पिता को साजिश के तहत रांची में कैद करके रखा गया है, क्योंकि ये भजपैया वाला साहब, ये भजपैया वाला साहब जानता था कि जब लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान। रोहतास के स्थानीय डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि काराकाट लोकसभा का नामांकन शुरू हो चुका है और सभी मतदाताओं के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह ने कहा कि जिला में जो भी लोग अपराधी किस्म के हैं उन्हें चिन्हित कर मतदान से वंचित किया जाएगा और पूरी तरह से मतदान शांतिपूर्ण की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों की सुरक्षा ऑडिट करा के और उनकी संवेदनशीलता का मानचित्रण कम्प्लीट हो चुका है। हमने जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील और नक्सल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं उन सभी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ में स्टेट की जो आर्म्ड यूनिट है उसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और जनरल बूथों पर हम लोग डीएपी का डिप्लॉयमेंट करेंगे। सभी जिले भर में, पूरे जिले भर में हम लोगों ने करीबन 10,000 लोगों पर अभी तक 107 का प्रस्ताव बाउंड डाउन करने के लिए दिया है, जिसमें 3,500 लोगों को बाउंड डाउन भी किया जा चुका है। लोग अभी उनके सुविधा के हिसाब से उसको क्लब कर रहे हैं। एक रहल में हम लोग कर रहे हैं, धनसा में क्लब कर रहे हैं, रहल में जैसे सोनी के दोनों पार्ट क्लब कर रहे हैं, धनसा में ही ऐसे कुसाहा का क्लब कर रहे हैं, और कुछ जगह पे जहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं लोग, उनको जहाँ पे माइग्रेट वहाँ पे हम लोग क्लब कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को VTR मैक्सिमम हो सके। झारखंड के लतेहार में सीएम रघुवर दास ने चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह के लिए चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने बालूमाथ में सभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार के कार्यों की सराहना की। विकास योजना के तहत संग्रह सेवा दे रही है। मेरा अनुभव है कि लतेहार में प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गरीब आदमी भागलपुर में पिछले दिनों लड़की पर हुए एसिड हमले का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर एसएम कॉलेज की छात्र छात्राओं ने प्रीता को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर डीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रीता को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की मांग की। और अपने अनुशासन का परिचय जस्टिस, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होती रहती है छेड़खानी की, लेकिन ये तो अति हो गया कि घर में घुस के और तब एसी डालना या छेड़खानी करना अपने आप में इतनी बड़ी एक दुखद घटना है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाता है। रोड पर सड़क पर होती थी छेड़खानियाँ, लेकिन ये इतना मन बढ़ गया है मन चलों का कि घर में भी यदि मेरी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी छात्राएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या इस समाज की स्थिति, हमारे देश का, हमारे राज्य का क्या रूप होने जा रहा है। इसलिए बहुत आक्रोश है हमारी छात्राओं में। हर दिन, परसों भी निकला, कल भी मौन जुलूस निकला, और आज उन्होंने कहा नहीं मैडम हम लोग डीएम के पास जाएंगे, आप
खोजबीन, ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको ऐसी सजा दी जाए। फांसी सिर्फ निदान नहीं है, फांसी तो क्लाइमैक्स है कि दूसरे मन चले हिम्मत नहीं कर पाए कि हम फिर इस घटना को अंजाम। भागलपुर के बुद्धिजीवियों के शिष्टमंडल ने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में डीएम प्रणव कुमार से मिलकर एसिड पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 7 सूत्री मांग का पत्र सौंपा और पीड़िता के लिए हर संभव मदद करने की मांग की। जो काजल पर एसिड अटैक हुआ है कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा, उसी को तत्काल और लंबे रूप से उसको राहत देने के लिए, तत्काल राहत और लंबे रूप से भी उसको पुनर्वास के लिए, नौकरी के लिए, मुआवजा के लिए हम लोग आए सर। जो काजल, वहीं इस घटना के बाद लोग पीड़ित लड़की की सलामती के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुंदीचक मोहल्ले के लोगों ने सैनी का काली मंदिर में पूजा हवन कर पीड़िता को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही प्रशासन से सभी आरोपियों को अविलंब पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं। पीड़िता बच्ची की दीर्घायु के लिए मुंडी तक समाज के द्वारा काली मंदिर में पूजा हवन का आयोजन किया गया, ताकि वो बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होकर अपने घर वापस आए। हमारे यही मैसेज देना है कि जो भी बच्ची के साथ इस तरह की बात होती है वो अपने गार्जियन के साथ ही इस बात को बताए, ताकि इस तरह की घटना फिर दोबारा नहीं हो पाए। बघा के टखौली थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में दो गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, साथ ही दो अन्य घायल हो गए। बता दें कि इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को NH-727 पर रखकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही घटना के मृतक के पिता ने वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बताते हुए थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वही है दवाई ले जात रहल हो तो दुगो गेल घेर के दरिया के लगल हो तो मारे चाकू मार देल हो हमरा बाबू को। लूट, डकैती और हत्या जैसे कई संगीन मामलों में फरार अपराधी मुन्ना डॉन को नालंदा थाना पुलिस ने इंदूरसराय थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। DSP इमरान परवेज ने बताया कि मुन्ना डॉन को गुप्त सूचना के आधार पर डोईया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी बहुत सारे लूट कांड में शामिल थे। हाल के लूट कांड में एक नालंदा थाना कांड संख्या 14-19 एवं 20-19 को ये एक कांड किया था लूट का नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसको आज ही सुबह में जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया। ये डोईया के पास नूरसराय में छुपा हुआ था। पिछले काफ़ी आपराधिक इतिहास से लगभग 11 कांडों में ये कुछ कांडों में आरोप पत्र भी जमा हुआ है। लगभग सारे थाना कांड संख्या में भी है। लहरी में 4 केस में है, 5 केस में है, नालंदा में 2 केस में, दीपनगर 3 केस में है। अधिकतर कांड जो है लूट कांड में ये शामिल रहता था, तो ये पकड़ाया है, इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र स्थित दामोदरपुर में पिता ने अपने 4 बेटियों को पुल से नीचे फेंक दिया, जिसमें की मौत हो गई। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। हमारे बेटी बाबू कहियो ने ककरो से बोलो ने हँसो हो आसुर हो, वही खातिर ले हमारे बाबू के मारो को घरवा दाबो तो कल के घरवा काल दाबे हम अपन नहरा चल जाए। हम हर जाए छिना रही है ना, तो हम नहरवा में देखते हैं हमारे को भी मारल को वही बेटी चलते कि सिर्फ बेटी है जिस कारण जो है सो काल जिंदा रहेगा, जे काहे जिंदा रहेगा। मोतिहारी शहर के मिस्कॉट रमना वार्ड नंबर 7 में युवक को उसके ही सगे चाचा ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार अपने ही सगे चाचा ने घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर परिजनों को भी घायल कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। दस लोग मारे हैं उसमें, मतलब 2-3 आदमी को हम जानते हैं, उनका नाम है किशोरी राय का लड़का एक था, एक बिहारी राय का लड़का था, और
एक सलीम नाम का लड़का था। ये लोग मिसकोट मोहल्ला के ही रहने वाले हैं, किशोरी राय वार्ड नंबर 8 में पढ़ते हैं। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के अमराई नवादा गांव में एक ही परिवार के 4 बच्चियों के साथ एक दंपति ने सल्फास मिला हुआ चाय पी लिया, जिसमें 55 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल लाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि 4 बच्चियों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो बाबा थे 55-56 साल के एज का, उन्होंने चाय के पत्ती में उनका जैसा कहना था रिलेटिव का कि सल्फास का कुछ पाउडर रखा हुआ था, उसको पीने से उनकी निधर हो गई वहीं पे स्पॉट घटनास्थल पे ही। उनके साथ और 5 को उनके परिवार के 4 बच्चे हैं, 1.5 साल, 6 साल, 5 साल का, उन लोग का भी स्थिति सीरियस है। उन लोगों का मैंने इलाज शुरू कर दिया है, लाइफ वगैरह डाल के तो प्राइवेट ट्रीटमेंट कर दिया, अब सेटल है। कौन चाय बनाया था? बाबूजी चाय बनाया, वही रखे थे। सल्फास का उनका कागज था, मैंने सल्फास का ही कागज था ना, चाय पत्ती लगाया। खास खबर में बस इतना ही, देखते रहे न्यूज़ 1/11। नमस्कार।